आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताने वाली हूँ। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ नरेशन। एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, वक्ता के वर्ड्स को प्रेजेंट करने के तरीके को या नरेशन करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। ये जो रिपोर्टिंग होती है ये टू टाइप्स की होती है, इसके टू वेज होते हैं। पहला हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब जो वक्ता है अपने बारे में कुछ कहता है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं टीचर हूँ और मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ कुछ और मैं बच्चों से कहती हूँ कि देखो, बच्चों मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही हूँ, यानी कि मैं अपने बारे में कह रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कुछ कहता है तो वो हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे कि मैंने लिखा और बच्चे कहें कि देखो मैडम जो है ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होता है, हमको डायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, ठीक है। और आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते, देखिए यहाँ पर हमको एक टेस्ट दिया गया है, हरी से मोहन इज गोइंग टू स्कूल। जो डायरेक्ट स्पीच वाला टेंस होता है यहाँ पर कोमा लगा रहता है और इनडायरेक्ट स्पीच वाले पार्ट में इसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, पहले हम जो है ये वाला जो कोमा यहाँ से हटा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हरी हरी, फिर मैंने लिखा यहाँ पर सेव, ये सेव लिखा है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, सेव मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। और इसको इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो कोमा है वो हम यहाँ से हटा देंगे और कोमे की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर दैट लगाएंगे, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर दैट लगाएंगे और फिर हम जो है मोहन इज गोइंग टू स्कूल ये अज इट इज ही लिख देंगे, ठीक है। हम इसको अज इट इज ही क्यों लिखेंगे, हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा होता है रिपोर्टेड वर्ब, और इधर वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसा वो लिखा होता है। बस हम उसको क्या करते हैं, कोमा हटाते हैं और वहां से इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं, डैट से जॉइंट करते हैं और मोहन इज गोइंग टू स्कूल हम इसको अज इट इज ही लिख देंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहां लिखा है मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाह रही हूँ कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब वाला पार्ट है अगर वहां पर से है और या सेव है तो वहां पर हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टेड वर्ब वाले पार्ट में से टू है तो वहां पर क्या आएगा, टेंस हो जाएगा, और जहां पर सेव टू है वहां पर टेंस हो जाएगा, ठीक है। और सेड है, यानी कि चेंज इन प्रोनाउंस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये प्रोनाउंस में चेंज के हमारे आते हैं चेंज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस में जो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, मी और अस, और पॉजिटिव केस में क्या आता है, माई और अवर, ठीक है। ये हमारे कौन है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ये हमारे होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, ये जो इधर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, जो सबसे स्टार्टिंग में आता है ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में हम यू का यूज करते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यू का यूज करते हैं और पॉजिटिव केस में यूर्स यूज करते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, हमारा ऑब्जेक्ट इधर की साइड होता है और इस वाले टेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है। और ये जो हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे कि ही शी इट दे, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में, और ही के साथ हम जो है हिम लगाते हैं और शी के साथ हम क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं, और पॉजिटिव केस में ये क्या है, हिमसेल्फ, लड़कियों के लिए जो है हिमसेल्फ लगाते हैं और बॉयज के लिए हम हिमसेल्फ लगाते हैं, ठीक है। इसमें नो चेंज, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन हैव नो चेंज, मीन्स कोई बदलाव नहीं। अब हम इसको डायरेक्ट उनको दे दिया गया है और हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा राम सेड आई हैव डन माय वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर हम मैं क्या लिखूंगी, राम सेड, देखिए यहाँ पर सेड लिखा है और सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए सेड का सेड ही लिखा जाएगा, और यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए मैं किसका यूज करूंगी, दैट का यूज करूंगी। देखिए यहाँ पर ये जो आई है, आप यहाँ आई देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है हमारा, राम, राम क्या है, राम लड़का, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, हम इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट लाइक वी विल यूज देयर ही, ओके, यहाँ पर हमने यूज करा ही। आपको पता होगा आपने टेंस प्रीवियस उसमें पढ़े थे, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जब हम उसको चेंज करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो पास्ट परफेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो हैव का हम हैड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो टेंस है ये भी चेंज हो गया है, ये पास्ट में चला गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। और आपको ये तो पता ही है जो परफेक्ट के टेंस होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, तो यहाँ पर डन लिखा है और यहाँ पर हम डन लिखेंगे, ठीक है, और ये है माई, माई माई जो है मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर ये लड़का है तो यहाँ पर हिज का यूज होगा, बॉयज के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हिज का यूज होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिज और फिर हम यहाँ लिख देंगे वर्क, इस तरीके से हमारा ये